नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। ब्रिटेन में महज 8 हफ्ते के एक बच्चे को दुनिया का सबसे महंगा 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उस मासूम को ऐसी कौन सी बीमारी है जिस बीमारी की वजह से उसको 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन दिया जाएगा। इस बीमारी का नाम है जेनेटिक स्पाइनल मस्कुलर अटॉफी, यानी SMA। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि SMA किस तरह की बीमारी है और इससे क्या होता है। आपको लग रहा होगा कि दुनिया में ऐसी कौन सी बीमारी है जो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है, जिसका इलाज इतना महंगा है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जेनेटिक स्पाइनल मस्कुलर अटॉफी किस बीमारी का नाम है और ये क्या करती है। जेनेटिक स्पाइनल मस्कुलर अटॉफी यानी SMA शरीर में SMN1 जीन की कमी से होती है। इससे सीने की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। यह बीमारी ज्यादातर बच्चों को हुई होती है और बाद में दिक्कत बढ़ने के साथ ही मरीज की मौत हो जाती है। ब्रिटेन में ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है। वहाँ करीब 60 बच्चे हर साल ऐसे पैदा होते हैं जिनमें ये बीमारी होती है। ब्रिटेन में इस रोग से ज्यादा बच्चे पीड़ित हैं, लेकिन वहाँ इसकी दवा नहीं बनती है। इस इंजेक्शन का नाम है जोलगेनिज़्मा। ब्रिटेन में इस इंजेक्शन के इलाज के लिए अमेरिका, जर्मनी और जापान से मंगाया जाता है ये इंजेक्शन। इस बीमारी से पीड़ित मरीज को यह इंजेक्शन सिर्फ एक ही बार दिया जाता है। इसी वजह से यह इतनी महंगी है, क्योंकि जोलगेनिज़्मा उन 3 जीन थेरेपी में से एक है जिसे यूरोप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।